नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व ब्लॉक परिसर में आज सामूहिक विवाह योजना का भाग बिजनौर की तरफ से किया गया, जिसमें 35 जोड़े ही विवाह शादी के बंधन में बंध गए। जिस शादी बहुत ही शांतिपूर्वक बड़ा मुस्लिम समाज का, 35 जोड़े हिंदू समाज, जिसमें अपने अपने रीति रिवाज गए, जिसमें सरकार की तरफ मान 35,000 रुपए का आना खर्चा। की सरकार की तरफ से लाभार्थ विवाह में जलीलपुर रवि धारीवाल, चांदपुर शुभम सैनी व ब्लॉक वीडियो प्रमाण पत्र व चेक देकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर के एडी सत्यपाल सिंह समस्त ब्लॉक स्टाफ एवं आदि मौजूद रहे। गोदान का कर्मकांड रखा गया गाय के अंदर। मोहम्मद साहिद, धन्यवाद। मैं खंड विकास अधिकारी विकासखंड जलीलपुर में वीडियो के पद पर तैनात हूं, और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 35 जोड़ों का शादी कराई है, जिसमें 33 जोड़े हिंदू के, एक अल्पसंख्यक और एक ईसाई जाति के हैं। सर, कितने रुपये का सामान दिया? इसमें 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है, एक सूटकेस, कुकर और बिछुए, शादी के संबंधित कुछ कपड़े, और 35,000 रुपये का लाभार्थी को चेक दिया जाता है जो उसके सीधे खाते में जाता है, और 6,000 रुपये प्रति उसके हिसाब से खाने का खर्च है, जो उनके लोग सब आए हुए हैं, सभी को खाना उनके लिए व्यवस्था की जाती है। ये इस प्रकार का 51,000 रुपये टोटल कुल खर्चा एक शादी के लिए होता है।